अच्छा ये बताओ कि तुम घूमने गए थे, हैं कहाँ कहाँ गए थे, और वो कुछ फोटो वोटो खींची होगी ना, दिखाओ हमें। फोटो हम आपको बाद में दिखाते हैं ना। दिखाओ ना, अभी दिखाओ, दिखाओ। दादी जी हम दिखाते हैं ना आपको फोटो। हाँ जी ये देखिए, ये भी भोलेनाथ। मुंबई वाली, ये तुमने पतलून पहनी है। हे भगवान, अरे कुछ लाज शर्म, कुछ हया, कुछ मान मर्यादा है कि नहीं है, है? किसी भी बात का ख्याल नहीं है तुम्हें? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुंबई वाली। भोलेनाथ, भोलेनाथ माता जी, भोलेनाथ माता, ये हमने आपको मना किया था ना। हमने क्या किया है, अब हम पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमने तो नहीं दिखाए ना। क्या जरूरत थी मुन्ना ऐसे कपड़ों में फोटो खींचने की? हाँ, अरे लिहाज, लाज, शर्म सब भूल गए हो क्या तुम? फोटो खिंचाने वालों को शर्म ना आए तो कम से कम देखने वाले लोगों की आंखों में तो शर्म होनी चाहिए। क्या जरूरत थी दादी जी को ऐसे फोटो दिखाने की? अब हमने क्या किया, हमने तो वही किया जो अम्मा जी ने कहा। ऐसा क्यों किया अम्मा आपने? तू शांत हो तंचाशी, ऐसा बोलो ना कुछ प्लीज। हाँ अम्मा की कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम हर बार आपकी बात मान लेते हैं, अपने परिवार की जातियों के सामने झुक जाते हैं। हमें तो उसी दिन अलग गृहस्थी बसा लेनी चाहिए थी जिस दिन अम्मा ने पहली बार हमारे रिश्ते की खिलाफत की थी। खबरदार मुन्ना, जो दोबारा ऐसी बात की तो। हम भी नहीं कहना चाहते अम्मा, कहना पड़ता है, हमें यकीन हो गया है कि आप हमें खुश नहीं देखना चाहते। अगर आपको हमारी बातों से तकलीफ हुई है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे, माफ कर दीजिए। अम्मा तोहफा लेके आए हैं, तोहफा लीजिए ना प्लीज। माता जी, बच्चे आपकी गलती पर पर्दा डालकर खुद माफी मांग रहे हैं और आप इन्हें ही जलील कर रही हैं। आपको दुनिया की जलालत नजर आती है, लेकिन जब कोई हमें जलील करता है तो आप अपनी आंखें मूंद लेते हैं। हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा पति अपनी माँ के काबू में है और हमारा बेटा अपनी बीवी के काबू में है। अरे हम जाएं तो जाएं कहां? शेफ गौरी, तुम लोग जाओ यहां से, इन्हें तो तमाशा करने की आदत सी पड़ गई। बाबूजी, बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती की है, अब हम आपको बताएंगे तमाशा किसे कहते हैं।
काजल अब क्या बोल रहे अम्मा जी? कुछ नहीं बोली, चुप बैठी। अरे बाबूजी? वो भी कुछ नहीं बोले। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे आज दिवस भर खोली तस बसून होते अम्मा जी, बाहर आलच नहीं। शिवरे कस समजवायचं आता त्यांना? तू एक मिनिट। हॅलो आई। गौरी कशी आहेस? अगं सकाळपासून तुझ्याशी काही बोलणं नाही झालं म्हणून फोन केला। हां हो अगं जरा गडबडीत होते ना म्हणून। तुझा आवाज का असा? सगळं ठीक आहे ना? हो 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 सगळं ठीक आहे। हो ना? आणि तुम्ही आणलेले गिफ्ट्स आवडले का सगळ्यांना? हो खूप आवडले। आणि आई तुम्ही सगळे? हो हो आम्ही अगदी मजेत आहोत, सगळं ठीक चाललंय। बाबांनी गाडी शिकायला सुरुवात केली आहे ना। स्कूटर पेक्षा जास्त पेट्रोल लागतं म्हणून वैतागतात अजून मधून, पण होईल सवय होईल हळूहळू। नाही पण त्यांनाही जरा आरामात फिरता येईल ना आता। हो दादा आणि बहिणीने हे खूप छान केलं माहितीये। खरंय अगदी खरंय। निशामध्ये खूप चांगला बदल झालाय ना, खरंच घरात फार छान वाटतंय गौरी। बरे घरचे कसे आहेत सगळे? त्यांना सगळ्यांना मी विचारलंय म्हणून सांग आणि शिवला पण सांग। हा हो हो सांगते। हो हो नीट राहा ग। हा आई पाणी ठेवलंय। हो हो निशा सगळं ठीक होईल, हा काळजी करू नकोस। देवा या दोघांचं व्यवस्थित होऊ दे सगळं। नचीने निशाला माफ केलंय असं दिसतंय तरी। मी लावून देऊ का क्रीम? एक मिनिट हळू। थँक्स नची। कशाबद्दल? आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो त्याला होणारा त्रास आपण नाही बघू शकत। म्हणजे? म्हणजे तुझं अजूनही माझ्यावर प्रेम आहे ना? असं काही नाही। तसंच आहे नची, मी तुला ओळखते नची। प्लीज प्लीज एकदा मला माफ कर। हे बघ मला माहिती आहे मी खूप चुकीची वागले, त्याची भरपाई नाही करू शकत, पण मला एक चांगली सून बायको बनण्याची एक संधी दे ना प्लीज नची। मला आठवत आणि दुःख पण होत रे, एवढ्या चुका करून सुद्धा ज्या आई बाबांनी मला सतत माफ केलं त्याला खूप काही दुःख दिलंय रे, ब्लॅकमेल सुद्धा केलं। छोट्याशा घरात मी माझ्या बाळाला जन्म देणार नाही असं म्हणाल। मला ताई बाबांना नातू द्यायचं, तुला बाबा म्हणणार कोणी या घरात असं असं मला वाटत। अरे हमने कौसल्या समझ के उसके बेटे का नाम राम रखा था, लेकिन देख रहे हैं हरकतें सारी के कई वाली कर रही है आजकल। दादी जी अम्मा कहीं नहीं है। नहीं है दादी जी? अम्मा छत पे नहीं है।